हेलो वीडियो, नमस्कार। पहला गुड मॉर्निंग और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे बुलबुल ब्लॉग एंड योगा पे। अभी बज चुके हैं 10 और अभी हमने फ्रूट्स खाए। मैं कल बोला था ना कि मम्मी लोग रोज़ पपीते खा रहे हैं क्योंकि मम्मी लोग के खेतों में लगे हैं पपीता, तो आजकल हम रोज़ पपीते खा रहे हैं। और अभी सूरज का संडे संडे है तो बैठा है और मम्मी अपना काम कर रही है और मैं भी फटाफट से नहा धो के नाश्ता करके फिर मिलता है अभी आपको थोड़ी देर में। और मम्मी यहाँ पर है, मम्मी कर रही है काम। मम्मी के कपड़े धो के डाल रखे हैं। मम्मी, ये है मम्मी, मम्मी कर रही काम। और हमारे खेत में ना पपीता लगे थे, खुद जो मैं पपीता खा रही थी ना यहीं लगे हैं। तो आज का मौसम देख सकते हैं, एकदम मस्त वाली धूप आ रही है। यहाँ बन चुका है नाश्ता। मम्मी ने बनाई है मडवे की रोटी और सब्जी। क्या बनाई है मम्मी? मम्मी ने बनाई है तौड़ की सब्जी। क्या बोलते हैं, तरू बोलते हैं क्या? तरूड़। तरूड़ की सब्जी बनाई है जो शिवरात्रि के दिन खाते हैं। तो मेले और नहीं रखे, मैंने कहा 4-5 किलो रख देना मेले। अच्छा चलो फिर हम नाश्ता करते हैं जल्दी से। मैं और मम्मी तैयार हो चुके हैं और आज जा रहे हैं हम मार्केट में। और मम्मी मम्मी मेरे लिए आज भिटोली खरीदने वाली है और सूरज ने मेरे को दे दिए। सूरज ने मेरे लिए ऑनलाइन 5 सूट मंगाए थे और मैं और मम्मी जा रहे हैं आज भिटोली खरीदने के लिए। मैंने भी खरीदनी है मम्मी के लिए और मम्मी भी मेरे लिए खरीदी। क्या खरीदेगी मम्मी आज? तो मम्मी हाथ पड़ी है बड़े टाइम बाद, तो मम्मी से अच्छा अच्छा ढूंढने में मम्मी से अच्छा अच्छा सामान लेंगे। मम्मी क्या दिलाती है? ठीक है, सूट दिलाएगी, साड़ी। मेरे भाई ने मेरे लिए 5 जोड़ी सूट मंगाए हैं। हैं सुरु, 5 जोड़ी सूट फर्स्ट टाइम भिटोली दे रहा है मेरा भाई मेरे को। तेले भी लेके आऊंगी, ठीक है। हैं शादी क्या हुई, बुलबुल के मजे आ गए ना। चलो फिर हम रेडी हो चुके हैं, अब चलते हैं सीधे मार्केट की ओर शॉपिंग करने के लिए। फिर मिलते हैं आपको मार्केट में जाके, ठीक है? तब तक के लिए बाय बाय। आए हम साड़ी लेने के लिए। ये देखिए यहाँ पर एक से एक साड़ी, मुझे ये वाली साड़ी पसंद आ रही थी। ये वाली साड़ी अच्छी लग रही है मम्मी के लिए और देखते हैं अभी मम्मी को कौन सी साड़ी पसंद आती है। ये देखिए यहाँ काफ़ी भीड़ हो रही है साड़ी लेने की। मम्मी कौन सी साड़ी पसंद आ रही है? अभी देखते भी कौन सी साड़ी पसंद आ रही है। आ चुके हैं मार्केट, अभी बच चुका है 2:30 बज चुका है क्योंकि दुकान में इतनी भीड़ थी बहुत ज़्यादा। तो मैं आपको साड़ी दिखाती हूँ, मैं कौन कौन सी साड़ी लाई हूँ अपने के लिए। मम्मी ने मेरे लिए ये बनाया मेरे लिए और एक सूट ये वाला बनाया मम्मी ने। ये वाला वाली साड़ी मेरे लिए बनाई है मम्मी ने, ये वाली, ये इस कलर की ये साड़ी। मम्मी के लिए मैंने ये वाली साड़ी बनाई, ये है साड़ी का कलर। ये वाली साड़ी कैसी लग रही मम्मी तेरे को साड़ी? है अब मम्मी तैयार हुई है महिला संकेत में जाने के लिए और मेरा भाई ये है शुरू। आज की शॉपिंग हमारी इतनी ही थी और सूरज ने जो सूट मंगा के 5 जोड़ी वो भी 1-2 दिन में आने वाले हैं। फिर आपको दिखाऊंगी 1-2 दिन में कि कैसे मंगाए हैं सूरू भाई ने, ठीक है? तब तक अभी के लिए हम अभी मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। मेरी मम्मी तैयार हो गई है, स्मार्ट लग रही है तू। क्या लॉकेट नहीं तो अच्छा तो लग रहा है। हाँ इतना करा लेना ना, अच्छा अच्छी लग रही है तू आज, स्मार्ट स्मार्ट तो ठहरी बनने वाले ठहरी। आज मैं आई हूँ भाभी के वहाँ। जिस दिन मेरी शादी थी मैं भाभी के वहाँ आई थी तैयार होने, तो भाभी का पार्लर मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो मैंने फर्स्ट टाइम मेकअप किया था, तो आप भी यहाँ आए भाभी के वहाँ, मैं अभी भाभी से आपसे बात कराती हूँ डायरेक्टली। तो भाभी आपका पार्लर का नाम क्या है? सनराइज ब्यूटी सैलून, रोड पे है मेरा पार्लर, विष्णु विहार कॉलोनी। अच्छा, तो आपको कभी मेकअप वगैरह कराना है या तो भाभी के वहाँ आए, भाभी सब चीज़ करती है, सब चीज़ करते हो ना भाभी आप? हेयर का, मेकअप आर्टिस्ट, सब चीज़, सब कुछ है बेसिक। तो अच्छा लगा भाभी से मिलके। फिर सब चीज़ ना, और आप पार्लर भी सिखाते हैं? हाँ, तो आपको कुछ भी काम करवाना है तो भाभी के पास आएँ। और भाभी का नेचर काफ़ी अच्छा है, हमको बहुत अच्छा लगता है भाभी के वहाँ आके। अभी आ चुकी हूँ अपने ससुराल में और मैं आई हूँ अपनी सासू माँ को लेने के लिए, क्योंकि आज मैं सासू माँ को अपने घर मतलब अपने मायके ले जाने आई हूँ। देखते हैं कि मेरी सासू माँ यहाँ है या कहीं और है, ठीक है? कि इसमें क्या होगा पूछू, क्या होगा?
कुछ शायद से ना, देखते हैं फिर इसमें क्या होता है। हिमांशु की बात सच होती नहीं होती है, और हमारी ईजा रेडी हो चुकी है एकदम चमकते हुए, एकदम स्मार्ट लग रही हमारी ईजा। ईजा गोरी लग रही, ईजा सुबह से वेट कर रही थी, लेकिन मैं अभी पहुंची 5 बजे। तैयार हो गए थे आप दोबारा कपड़े उतारे हैं? हिमांशु तो ऐसे बोला था नानी सरवा रही है। समंदनियों का मेल मिलाओ। कैसा लग रहा है फिर मिलके? अच्छा लग रहा है। गिफ्ट दिया है भाभी ने, देखते हैं इसके अंदर क्या है। खोलियो जरा मम्मी। भाभी क्यों आ गई? भाभी ने, मैं भाभी को छोड़ने गई, भाभी ने मेरे को यहीं बैठा लिया थोड़ी देर। अंगूर खिलाए, खाना खा के जाओ कह रही थी। हैं वहाँ दुकान में कोई नहीं था ना, लास्ट में ही थी, मैंने कहा मैं ये छोड़ देती हूँ, खाना ना खा के जाओ कह रही थी। भाभी ने बहुत ही देर तक बैठा लिया। देखते हैं इसके अंदर क्या गिफ्ट है। गिफ्ट है। अभी ने मेहनत करी इसको चिपकाने में। मम्मी का हाथ भी काम नहीं कर रहे। ये हिमांशु ने बोला था वही होगा, हिमांशु कह रहा था। हाँ ये देखो मस्त घोड़े, हिमांशु बोल ही रहा था इसमें पक्का वही होगा। बहुत अच्छा है, अच्छा लग रहा है ना घोड़ा। भाभी ने घोड़ा दिया है तेरे को। धन्यवाद भाभी का बहुत बहुत घोड़े देने के लिए। घोड़ा अच्छा होता है घर में रखना। रोड में ऐसा हो रहा है आजकल, हमारे रोड पे ऐसा हो रहा है क्योंकि यहाँ पर रोड खुदी है भैया, तो पूरा जाम के चक्कर से देखिए पूरा नीचे तक जाम लगा हुआ है, इस वजह से यहाँ पर दिक्कत आ रही है। रोड खुदी हुई है हमारी आजकल। खा लिया खाना पीना और ये मेरी सासू माँ आ चुकी हैं। कैसा लगा आज खाना आपको? अच्छा। और ये है मेरी ईजा, आज आ गई है मेरी शादी की। कैसी वीडियो आ चुकी है ये देखो, इसमें आया मेरी शादी की पेन ड्राइव। इसको मैं खोल के दिखाती हूँ आपको, ये देखो मस्त बॉक्स, सबसे अच्छा बॉक्स मेरे को यही लगा। ये है शादी की बॉक्स जिसमें मेरा पेन ड्राइव आया है, और आज हमने अपनी शादी की वीडियो देख ली है। अब मैं अपनी वीडियो यहीं पर समाप्त करती हूँ, और आपको हमारी वीडियो पसंद आए लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, फिर मिलेंगे हम अगले ब्लॉग पर।